नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड क्लासिक सीरीज में। आज के गाने की फरमाइश की है हमारे एहसास के सदस्य सुनील और सुरेख वनारसे और आदिति आड़कर ने। क्या बताए आज के गाने के बारे में, मेरा मतलब है क्या क्या बताए आज के गाने के बारे में। इसके शब्द, इसका संगीत, इसका गायन, पिक्चराइजेशन, डायरेक्शन, हर एक कसौटी पर खरा उतरा आज का गाना। लीजेंडरी कैमरामैन वी के मूर्ति ने इसका कमाल का पिक्चराइजेशन किया है। इसके लिए महबूब स्टूडियो की एक खिड़की तोड़ दी, दो आईने रख दिए, एक जमी पर और दूसरा छत पर एग्जॉस्ट फैन की जगह। नेचुरल लाइट और शैडो का इस्तेमाल करके इसका बहुत ही सुंदर पिक्चराइजेशन किया गया है। निर्देशक गुरुदत्त, जिनकी सोच हमेशा समय से आगे थी, और फिल्म कागज के फूल। वैसे तो इस फिल्म के 5 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, लेकिन एक दिन संगीतकार एसडी बर्मन ने गुरुदत्त और कैफी आजमी को इस गाने की धुन सुनाई। गुरुदत्त को वो बहुत पसंद आई और उन्होंने कैफी आजमी को इस पर गीत लिखने को कहा। इस गीत के लिए फिल्म में खास तौर से सिचुएशन तैयार की है। संगीतकार एसडी वर्मन गायिका गीता जी के लिए बहुत ही आग्रही थे। गीता जी का वो दिल चीर के ले जाने वाला स्वर, उसे वायलिंस और चेलो की गंभीर साथ। वैसे तो ये गाना अरेंजमेंट का, बेस गिटार, सॉफ्ट पियानो, टिंकलिंग ट्रायंगल और स्ट्रिंग्स, इतना कमाल का अरेंजमेंट है कि इस अरेंजमेंट की वजह से यह गाना सुनते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बार बार सुनकर भी हमारा दिल नहीं भरता। और क्या शब्द लिखे हैं कैफी आजमी साहब ने, बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा ना थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। सुनते हैं ये गाना। वक्त ने किया क्या हसी सितम,